दोस्तों लगभग 50 से लेकर 60 सालों के बाद इंडियन रेलवे का जो सपना है वो अब पूरा होने वाला है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि पिछले 50 सालों से इंडियन ट्रेन्स में लगाए जाने वाले जो भी कंपोनेंट होते हैं उनको इंडियन रेलवेज के द्वारा बाहर से यानी कि दूसरे देशों से इंपोर्ट कराया जाता था और खरीदा जाता था। और दोस्तों आप ये जानकर चौंक जाओगे कि वंदे भारत जैसी ट्रेनों में लगाए जाने वाले जो भी पहिए हैं उन व्हील्स को भी पहले दूसरे देशों से खरीदा जाता था यानी कि इंपोर्ट कराया जाता था। लेकिन दोस्तों हाल ही में इंडियन रेलवे की तरफ से एक काफी बड़ी अनाउंसमेंट की है, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि रामकृष्ण फोर्जिंस और टीटागढ़ वैगन्स के द्वारा आने वाले 16 से 18 महीनों में चेन्नई के गुमनीपुंदी में वंदे भारत ट्रेन में लगाए जाने वाले पहियों को मैन्युफैक्चर करना शुरू किया जाएगा और इन पहियों को फोर्ज व्हील के नाम से जाना जाता है। लेकिन आपके लिए जाना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वंदे भारत ट्रेन में इस्तेमाल किए जाने वाले जो भी पहिए आपको देखने को मिलते हैं वो इंडिया के किसी भी ट्रेन में इस्तेमाल किए जाने वाले पहियों से कहीं ज्यादा स्पेशल होते हैं, क्योंकि वंदे भारत ट्रेन एक वर्ल्ड क्लास ट्रेन है। तो वंदे भारत ट्रेन में जिन पहियों का इस्तेमाल किया जाता है वो भी काफी ज्यादा एडवांस माने जाते हैं। अब अगर बात करें चेन्नई में बनाए जाने वाले इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के बारे में, तो रेलवे के द्वारा बताया गया कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है ये काफी जल्दी बनकर तैयार होने वाला है। और जब ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनकर तैयार हो जाएगा तो इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हर साल 2.5 लाख से भी ज्यादा पहियों को मैन्युफैक्चर किया जाएगा और इन 2,50,000 व्हील्स यानी कि पहियों में से 80,000 व्हील्स का इस्तेमाल इंडियन रेलवे के द्वारा किया जाएगा और बाकी के बचे हुए जो व्हील्स होंगे अब इंडिया के द्वारा उन सभी पहियों को दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करना शुरू किया जाएगा। तो यानी कि दोस्तों जो भारत काफी लंबे समय से पहियों को इंपोर्ट कराया करता था, दूसरे देशों से खरीदा करता था, अब भारत के अंदर खुद व्हील्स को मैन्युफैक्चर किया जाएगा और दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो यानी कि इंडिया फोर्ज व्हील्स के मामले में अब इंपोर्टर नहीं बल्कि एक एक्सपोर्टर बनने वाला है। इसके अलावा दोस्तों वंदे भारत ट्रेन की पॉपुलैरिटी को देखते हुए कई कंट्रीज की तरफ से वंदे भारत ट्रेन को लेकर अपना इंटरेस्ट शो किया जा रहा है, यानी कि कई कंट्रीज की तरफ से वंदे भारत ट्रेन को खरीदने की डिमांड की जा रही है। इसी कारण चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में वंदे भारत ट्रेन को अब मॉडिफाई करना शुरू कर दिया है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इंडिया के अंदर ब्रॉड गेज वाली वंदे भारत ट्रेन को अभी मैन्युफैक्चर किया जाता है और इस्तेमाल भी किया जाता है। लेकिन दोस्तों वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज में स्टैंडर्ड गेज वाली वंदे भारत ट्रेन का इस्तेमाल किया जाएगा, इसी कारण इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के द्वारा ब्रॉड गेज वाली वंदे भारत ट्रेन को स्टैंडर्ड गेज वाली वंदे भारत ट्रेन में मॉडिफाई किया जा रहा है। और ऐसा बताया जा रहा है कि आने वाले 5 सालों में ही भारत के द्वारा वंदे भारत ट्रेन को एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर दिया जाएगा। तो वेल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।